पूना के रेसिडेंस है ओके okay. और हमारा जो अलमुकदस गोड फार्म है वो चारोली विलेज नियर डी वाई पाटिल कॉलेज है यहाँ पे लोकेटेड है ओके okay. और यूएस एस तो लोग जानते ही है uh -huh. जो एक्जॉटिक में शौक कर रहे हैं तो वो पहले से ही जानते हैं लोग कि यूएस एस एग्जोटिक गोड्स क्या चीज़ है uh -huh. और हम लोग इस बार कुछ नया शौक़ कराने लाए हैं लोगों के लिए कुछ शानदार चीज़ें अंगजिंग है उसमें अंगूरा है ओके अभी उसमें बच्चे ये है बच्चे सारे इसमें इसमें जिंग मेल, मेल, स्टेट्स so, okay. नहीं है इनका बच्चे शेख होगा मेरे ख्याल <laughs> बिल्कुल उमर शेख है और फिरोज भाई से थोड़ी बात करेंगे फिरोज भाई जी भाई में फिरोज भाई फिरोज भाई अल मुकदस गोट फार्म अल मुकद्दस का मतलब क्या है पाक ओके हाँ। okay. और ये कितने समय से आपने सेटअप डाल के रखा है ये तो अभी चालू किया हुआ मैं इसके पहले से कर रहा हूँ मैं बारह तरह साल हो गए अच्छा आप बकरे बेचते थे बारह तेरह साल से कहां नहीं, पर? मैं शौक शौक करता था जब खुद करते थे जी जी और किस चीज का का एग्जॉटिक तो अभी ये डालने का उद्देश्य क्या है और इनके साथ पार्टनरशिप करने का क्या उद्देश्य है भाई के साथ पहले से अच्छी दोस्ती है हमारी और पहले भी ऐसा लेन देन जैसा मुझे जो पसंद आया मैं लिया हूँ उनको जो पसंद आया मेरे से लिए ये चलते रहे अभी मेरा शौक बच्चों को बढ़ा रहा हूँ मैं मेरा लड़का है आजिम उसके लिए किया हूँ मैं कहाँ पर आप आजा। अच्छा बच्चे को शौक़ है आपके जी जी ओके ओके ठीक है आप यहाँ पर क्या आप पलाई भी करोगे जी जी और क्या रेट रहेगी आपकी पलाई की आ, पलाई की साढ़े तीन हज़ार रुपये स्टार्ट है अभी भाई कौन से अंडुल बकरों की खसी बकरों की अंडुल खसी जो बड़े बकरे रहेंगे उसकी केजेस बनने वाले हैं जी कितने बकरे आप अकोमडेट कर पाओगे फार्म पर पलाई के सौ करीबन कर सकते हैं अभी अपन फिलहाल में इतना बनाया अपने पास अच्छा अभी ऑलरेडी बन चुका है जी ओके अंडुल खसी कोई भी कोई भी ओके ओके और अभी फिलहाल जो है हम ट्रेडिंग का माल बता रहे हैं इन वीडियो में क्योंकि यो फार्म स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन जी कितना समय लग जाएगा आपके फार्म को पूरे तैयार होने को करीबन महीने भर में सब हो जाएगा अभी ठीक है अच्छा कोई ये बकरा यहाँ से खरीदता है तो यहीं पर पलाई पे रख सकता है जी जी रख सकते हैं तो अभी इतने छोटे छोटे हम जो बकरे देख रहे हैं ये क्या जिंग है अंगूरा है तो इनका क्या चार्ज होगा पलाई का इनका कम रहेगा भाई इनका दो हज़ार रुपये स्टार्ट रहेगा दो हज़ार रुपये जी अभी क्योंकि ये आए हैं मेरे ख्याल से लद्दाख से जी है ना वेदर काफ़ी चेंज है लद्दाख में तो एक्सट्रीम कोल्ड है और अभी पुणे में तो हम गर्मी से एकदम काप रहे हैं सो इट्स वेरी रिस्की टू रेस दीज गोड्स क्योंकि इनमें मोटेलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं जी ये हार्डली आई थिंक अंडरस्टैंड ढाई तीन महीने के बच्चे हो गए जी तो इनमें अगर मोटेलिटी हो जाती है तो आप कुछ बेनिफिट देते हो कस्टमर को अगर कोई आपके पास रखता है नहीं तो अपन सर्ट करके ही देते क्योंकि कस्टमर को अपन 20 दिन के बाद ही बच्चा इंड ओवर करते नहीं अभी... नहीं आप समझ नहीं रहो आप भले 20 दिन के बाद दो ठीक है कस्टमर ने आपसे समझो एक बच्चा खरीदा जी आप ही के पास फ्लाई पे रखा दो हज़ार में जी खुदा न खास्ता उसकी मोटैलिटी हो जाती है एक महीने के बाद तो कस्टमर को कुछ रिफंड या कुछ ऐसा कुछ मिलता है कोई है, मिलता है एक महीने का जो पलाई वगैरह हम नहीं लेते अभी तो अल्लाह की की तरफ बात है लेकिन बहुत सारे फार्म्स जो है वो तो ऑफर कर रहे हैं है ना एक ऑफर करने में, हर करने में में क्योंकि अपन उनको नाम के हिसाब से चलना है अलमुकद के हिसाब से ही चलना है झूठ बोल के तो नहीं करना है अपन को कुछ किसी को देना भी है तो हम हमारा मकसद ये कि बीमार किसी को देना नहीं है ओके जहाँ हमारा चलेगा ओके okay. कस्टमर के पास जाके मरा ना उसका शौक नहीं तोड़ना है हमें ठीक है लेकिन कोई कॉम्पेंसेशन नहीं अगर यहाँ पे भी मरा तो कोई कॉम्पेसेशन नहीं नहीं ठीक है अगर कस्टमर ने कोई बकरा चूज़ किया जी और उसकी मोटैलिटी हो गई डिलीवरी से पहले जी है ना कस्टमर बोला दस दिन यहाँ पे रखो दस दिन के बाद डिलीवरी करो खुदा ना खासा मोटेलिटी हो गई तो उसको दूसरा बकरा मिलेगा हाँ मिल जाएगा वो इन दैट केस मिल जाएगा जी ओके और ट्रांसपोर्टेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो समझो आप बॉम्बे पहुंचा रहे हो और रास्ते में ही कुछ हो गया बकरे को इन दैट केस ये कैसा है हमारी गाड़ी रही तो हमारी गारंटी कस्टमर की रही तो उनकी गारंटी ओके ओके तो अगर आपकी गाड़ी रही और खुदा ना खासा कुछ होता है बकरे को तो आप कॉम्पनसेशन दे जी जी ठीक है वो उमेर भाई बकरे तो बहुत लोग बेचते हैं आपके पास से क्यों लेना चाहिए लोगों को भाई हम लोग जो लेकर आए ना यहाँ पे लाजवाब चीज़ लेकर आए हैं और लोगों को शौक़ बढ़ाने के लिए शौक़ वाली चीज़ लेकर आए हैं ऐसे छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह आप देखेंगे एक से एक कलर है फात भाई इसमें व्हाइट देखो ब्राउन देखो वो दो कलर में बच्चा है वो देखिए वो फुल ब्राउन देखिए वो उसमें देखो उसमें तीन कलर है उसमें भी टू कलर्स है ये फुल ब्राउन बच्चा देखिए तो कैसा है फात भाई मेरे पास में लोगों को वैरायटी मिल रही है पहली चीज दूसरी चीज जो शौक करने वाली चीज है लोग आज पर्शियन कैट का भी शौक कर रहे हैं तो आप देखो पर्शियन कैट की साइज के बकरे हैं ये माशाल्लाह घर में लोग पाल सकते हैं शौक पूरा कर सकते हैं इसका आपके पास बहुत बड़ी पर्शियन कैट होगी फिर तो नहीं, <laughs> नहीं अलहदुल्ला मेरे पास जो पर्शियन कैट है वो इससे थोड़ी छोटी है अच्छा बस लेकिन अलहमदिल्ला बहुत बड़ी होगी ओके ओके सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि आपने जो लाए है वो जिंग ये और कोई नहीं लाता है नहीं भाई ला रहे हैं लोग ऐसे बात नहीं है कि नहीं ला रहे बट यहाँ पे जो बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की बात हो रही है चीजों को जो दिखाना चाह रहे हैं हम लोग वो आप क्वालिटी देखिए बच्चे देखिए क्योंकि क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों को मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट आज की डेट में और ये सोलो भी सिंगल का अगर किसी को चाहिए कोई ले सकता हा, हाँ हाँ दे देंगे दे देंगे भाई होलसेल में ही लेना है अभी नहीं नहीं जरूरी नहीं है लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट जो है ना भाई होलसेल के बच्चे हाँ ये तकरीबन जो है ना भाई इसमें ढाई महीने से लेके चार महीने तक के बच्चे हैं इसमें अब ये देखिए इनके हाथ में ये बच्चा देखिए ये अंगूरा है अच्छा ये अंगूरा है जी 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 अच्छा हाउ डू डिफरेंट बिटवीन अंगूरा तो है अंगूरा में कैसा रहता है ना कि इनके जो बाल होते हैं ना ये काफी करली होते हैं आप देख रहे हैं इसके जो बाल कर्ज है पूरे एकदम ओके ओके एंड जो सिंग होते हैं उनके बाल जो होते हैं वो सारे स्ट्रेट होते हैं सिंग कौन सा ये वाला सिंह है हाँ ये अब बच्चा उठाइए ब्लैक एंड व्हाइट ये सिंग है जी 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 भाई ये बच्चा देखिए एकदम खरगोश माशाल्लाह खरगोश जैसे बच्चे क्यूट एडोरेबल यस सो ये है, ये अंगुरा है है हाँ. क्या इनकी उम्र भाई भाई मेरे हाथ में जो बच्चा है ना वो तकरीबन ढाई से तीन महीने का है और ये भी जो तकरीबन तीन महीने का ही बच्चा है भाई हुँ. और ये सारे जो बच्चे हैं ना भाई ये फीड पे है हरी पत्ती है, और तुवर भूसा पे हमने सेट किया हुआ है <laughs> तो उनमें इनशाला कोई तकलीफ वाली बात नहीं है और हम लोग उनको लोगों को जो भी दे रहे हैं ये मेरे पास माल आके दो दिन हो गया हुआ है परसों के दिन ये माल पहुंच गया था और इनशाला कल से हम लोग इनकी सेलिंग भी स्टार्ट कर देंगे हाँ हाँ तो क्या रेट है मेरा क्वेश्चन था कि क्या अभी भाई इसमें कैसा है ना अभी जो रिटेल में लेना चाहेंगे जो मेरे से सिंगल डबल लेना चाहेंगे उनके लिए भी हमने रिजनेबल रेट रखा हुआ है और जो

हाँ भाई कैसा है ना इसको तो आप रेकमेंड करते कि हो कि इतना छोटा बच्चा लेना चाहिए किसी को कि ऑलरेडी बड़ा आ, नहीं भाई अभी कैसा है ना लोग आजकल जो है ना बच्चों का शौक ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि आज की जो डिमांड आ रही है मार्केट में वो बच्चों की आ रही है तो बच्चों की डिमांड के हिसाब से ही हमने ये जो बच्चे जो है लेकर आए हैं बड़े भी लेते हैं लोग अभी जिनको अभी कैसे होना भाई बच्चे का कॉस्ट जो है वो अफोर्डेबल होता है बड़े का कॉस्ट जो होता है वो अफोर्डेबल नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं और अपना शौक भी पूरा करते हैं है, है। जी भाई है। पूरे झुंड को यहाँ पे लाओ अंगूरा कितने इसमें उमे भाई इसमें अंगूरा तकरीबन एक तो वो ब्लैक वाला लिया है वो है ओ सलमान भाई इसमें अंगूरा साइड में लो ना एक एक ये देखो ये ये अंगूरा है ना वो एक ब्राउन अंगूरा है दिस ब्राउन वन हाँ हा, वो वाला ये ब्राउन ये ब्लैक दो तो दिखा है मैंने वीडियो में वसीम को बुला वसीम अंगूरे निकालो उसमें चार पांच अंगूरा यहाँ भेज बेटा वसीम अंगूरे ले अंगूरे अंगूरे उठाइए सबको सबको तो दो दो तो 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 बहुत क्यूट है सारे सारे के माशाल्लाह बोला बताइए भाई ये देखिए बच्चा देखिए अंगूरा का बच्चा है सो अंगूरा आपने कहा कली हेयर होता है हाँ भाई ये देखिए माशाल्लाह ये अंगूरा का बच्चा है भाई अभी माशाल्लाह इनके इन, इनके डिफरेंस देखिए ये जो हेयर्स की जो क्वालिटी का जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ये आप समझिए इसमें ये फुल वाइट नहीं है इसमें ना कुछ हल्का सा ना ग्रे पैचेस मतलब इसके ना अगर आप गौर से अगर देखोगे पात भाई तो इनके ना हेड्स पे आ, कुछ बाल वाइट है और कुछ ब्लैक में आए तो इसके लिए वो हल्का सा बच्चा ना ग्रेस दिख रहा है एंड देन पीछे से पूरा फुल वाइट है ये भाई के हाथ में ये भी ये देखो ये हमारे अलबास भाई है ये अलबास भाई के हाथ में देखिए ये एक अंगूरा बच्चा है माशाला ये देखिए ये फुल व्हाइट में है करली है इसे मार्बल सिंग में वाले होते हैं, वो कौन से होते हैं भाई ये तो को अभी को बच्चे है ये इनके छोटे सिंग है पता चलेगा हमें कौन से हॉन्स वाले भाई वो तो अभी कैसा है वो तो हाँ वो बहुत डिफिकल्ट लेकिन कैसा है अभी देखिए माशाला इसका कलर देखिए ये बाय कलर में अब ये देखिए ये देखिए ये जो है ना अंगूरों में ये चीज मेल है सारा मेल है ना नहीं इसमें मेल और फीमेल मिक्स है, फीमेल, फीमेल, फीमेल है, हाँ, okay. है भाई। के में, ये मेल बच्चा है, okay. और ये अरबाज भाई के हाथ में जो बच्चा है ये भी एक मेल बच्चा है okay. एक वो हाँ ले उसको ले कौन सा वाला वो ब्राउन लेना ये दोनों ब्राउन बच्चे ले उसे ये दांत कर लिया क्या ऑलरेडी देखो नहीं, दो दांत पे क्या वो शायद कर लिया होगा मेरे ख्याल से आदल, आदल, है ना आदत है आदल। अरे माशाल्लाह ये भी बहुत क्यूट है भाई ये देखिए कलर देखिए माशाल्लाह और ये फीमेल, हा? ये फीमेल है हाँ ये, ये ब्राउन एंड व्हाइट कलर की फीमेल है और सच क्यूटी शी है एंड ये साइड से देखिए इसको वैसे मैं इधर से दिखाइए हाँ ये देखिए कलर देखिए माशाल्लाह क्यूटनेस देखिए बफ देखिए ये देखिए इनकी इसके लेकिन बहुत छोटे हैं अभी हाँ। तो फीमेल की तो भी नहीं रखती है। हाँ भाई ये तो मेल की ही क्वालिटी के सबका बच्चा है ना। सेट करना है नहीं भाई हम सेट करके ही दे रहे हैं इंशाल्लाह तीन मतलब दो दिन हो गए अपने पास में आके और एक दिन रोक के आज का तीसरा दिन हो जाएगा इनशाला और कल से हम लोग इनकी सेलिंग स्टार्ट कर देंगे ये देखिये ये ब्राउन मेल है हाँ अगर कोई मेल और फीमेल का पैर लेता है हाथों तो से तो उसके लिए ये पूरा पैर परफेक्ट पैर बन जाता है माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल दो बच्चों और उठा वो आ, ब्लैक बच्चा उठा दो दो ब्लैक, ब्लैक। दोनों ब्लैक उठा बेटा दोनों नहीं ब्लैक। वो ये जो अंदर है ना हां अंदर वाले दोनों ब्लैक दोने उठा दो ब्लैक सारे के को बाहर लेके आओ ना चला के इधर ले लो उनको ये मेल है फीमेल है ये वाला आपके हाथ में जो है ये मेल है भाई ये मेल है हाँ और ये ये फीमेल है दिस वन इज फीमेल हाँ अभी भाई ये देखिए पूरा पैर है अगर किसी को सेम कलर के दो बच्चे चाहिए लाइक मेल एंड फीमेल ये परफेक्ट पैर है उनके लिए ये देखिए माशाल्लाह इनकी क्वालिटी देखिए इनके कलर देखिए अभी जो ब्रिटिश अल्पाइन का कलर आपने देखा होगा ब्रिटिश अल्पाइन का पूरा एग्जैक्ट इसमें कलर आ रहा है भाई बट ये ब्रिटिश अल्पाइन नहीं है ये भाई जिंग है जो अपनी इंडियन ब्रीड है लद्दाख से हम लोग उसको मंगाते हैं भाई बहुत मेहनत करते हैं उसके पीछे भी मंगाने के पीछे भी चैलेंजिंग टास्क है भाई सबसे पर आना लद्दाख से तो पहले फिर कश्मीर जाता होगा करेक्ट करेक्ट करेक्ट। से जम्मू जम्मू से फिर बाई रोड होके भाई दोनों टास्क दोनों टास्क इसमें बहुत बड़े हैं माशाल्लाह कैसा है कि भाई इतना माल पहले तो खरीदना खरीद के उतना बड़ा रिस्क लेना उसके बाद में उतने रिस्क लेके वो चार पाँच दिन अभी भाई अभी तक तो अलहमदिल्ला भी सौ नग हम लोग ने मंगाए टोटल एक सौ दस एक सौ बीस नग कुछ है यहाँ पे तो एक सौ बीस में अल्हमद अभी तक एक भी नहीं मरा हमारे पास में जी पुणे का वेदर कैसे चल रहा है अभी पुणे के वेदर के हिसाब से हम लोग ने जो लो, गर्मी है आज थोड़ी गर्मी है आज थोड़ा खुला है माशाल्लाह बहुत क्यूट है सारे के सारे एनी बडी इंटरेस्टेड जिसकी वजह से कॉल नंबर क्या है आपका फिरोज भाई और आपका उमेर भाई आ, भाई मेरा नंबर है एट नाइन सेवन सिक्स डबल ज़ीरो डबल ज़ीरोट सेवन ओके और फिरोज़ भाई का नंबर नहीं मैं आ, अजीम भाई का नंबर देता हूँ उसमें ठीक है आ, अजीम भाई को एक्चुअली मैं मैं चाहूँगा कि एक बार इंट्रोड्यूस भी करा दूँ फिरोज भाई के बेटे हाँ अजीम भाई आपका नंबर क्या है डबल एट थ्री जीरो One, क्या है भूलिएबल एट थ्री जीरो वन सेवन नाइन हाँ। एट सेवन टू डबल थ्री जीरो वन सेवन नाइन एट सेवन नाइन एट आप ही का है ना हाँ ठीक है ये अजीम भाई है हमारे ये एक्चुअली पुना का जो भी सेलिंग का रहेगा जिसको सिंगल डबल चाहिए वो अजीम भाई से कांटेक्ट कीजिए फार्म पे आइए विजिट करिए मैं चाहूँगा पसंद करके देख के लेके जाइए जो पुणे के जो भी रेसिडेंस हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा चांस है भाई एक दो और थे बहुत क्यूट से नहीं जो हम लोग देख रहे थे पैर में अलग है ये क्या वाला

और डिलीवरी ऑल अक्रॉस इंडिया है राइट हाँ हाँ डिलीवरी का जो भी चार्जेस होगा वो एडिशनल होगा oh, okay, भाई फाइन चलिए थैंक यू सो मच थैंक यू